का सवाल आईबी की टेस्ट में हर दफ़ा एक बार आया है। जितनी भी टेस्टेस हुई हैं उनके अंदर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे सवाल आता है। तो आप इस ट्रिक को हासिल करके आप लाइफ टाइम इसकी टेबल को याद कर सकते हैं। तो आगे चलिए, हम सबसे पहले हम यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक साइन थीटा, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक कॉस थीटा, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक टेन थीटा। आपको ऊपर से एक ट्रिक बताऊंगा, वो आप ट्रिक इस पर अप्लाई करना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिक अप्लाइड, ट्रिक अप्लाइड। आपको ट्रिक अप्लाइड करने से पहले आपको यहाँ पे एक और भी लाइन आपको इसके नीचे ही लगा देनी है। उसके अंदर आपको यहाँ पे लिख देना है कि ज़ीरो एंगल, और यहाँ पे आपको लिख देना है एक सॉरी 13 एंगल, आपको यहाँ पे लिख देना है 45 एंगल, और यहाँ पे आपको लिख देना है 60 एंगल, और आपको लिख देना है यहाँ पे 19 एंगल। तो ट्रिक आपको अप्लाई कैसे करनी होगी, तो आपको यहाँ पे एक यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बना देनी है। इट इज़ सेकंड कॉलम, इज थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। आपको यहाँ पे एक रो भी बना देनी है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एंड थर्ड रो। आपको अभी ट्रिक कैसे अप्लाई करनी होगी, आपको ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो लिख देना है, थ्री के ऊपर आपको वन लिख देना है, क्योंकि ज़ीरो के बाद वन आएगा, वन के बाद यहाँ पे टू आता है, टू के बाद यहाँ पे थ्री आता है, थ्री के बाद आपको फोर आता है। इतना तो आपको पता होगा। आपको इसके सब के नीचे अपान अपान मीन्स फोर 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 लगा देना है। अभी आपको एक और काम करना है, आपको वो एक और क्या काम करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अंडर रूट आपको लगा देना है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है, इसके भी ऊपर आपको अंडर रूट लगा देना है, इसके ऊपर ऊपर भी अंडर रूट लगा देना है, इसके ऊपर भी आपको अंडर रूट लगा देना है। ये ट्रिक के इस ट्रिक के हिसाब से आप इन सारी की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर मैं एक और भी कॉलम बना देता हूँ, तो देखें अगर मैं इस सारे अंडर रूट को सॉल्व करूंगा या किसी भी कैलकुलेटर के अंदर, तो आप इसका जवाब आएगा ज़ीरो। जब मैं इस अंडर रूट को यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखें वन का अंडर रूट वन नहीं आता है, फोर का अंडर रूट आएगा टू। तो वन अपॉइंट टू इज़ अ 13 एंगल ऑफ द साइन थीटा इज़ वैल्यू ऑफ वन अपॉइंट टू। अगर मैं टू को यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर देखें वन का टू का टेबल वन दफ़ा, टू का टेबल फोर पर दो दफ़ा। तो वन अपान टू सॉरी वन अपान अंडर रूट टू इज़ अ वैल्यू ऑफ 45, और इसका मैं अंडर रूट इसका नहीं निकलता तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, और फोर का अंडर रूट निकल फोर का अंडर रूट आता है टू। तो यहाँ पे फोर का टेबल फोर दफ़ा, तो फोर का वन, तो इसका जवाब आएगा वन अपान वन या ओनली वन। आप देखें अभी आप ये टेबल सीख गए कि आप इस वैल्यू की मदद से आप इस ट्रिक के हिसाब से आपने ये वैल्यू निकाल दी। जब आपने कास्ट जब आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, आप इस चीज़ को मतलब के उल्टा करें, जैसे इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे लिखें वन, और यहाँ पे लिखें अंडर रूट थ्री अपान टू, और यहाँ पे लिखें वन अपान अंडर रूट थ्री, और यहाँ पे लिखें वन अपान टू, फिर क्या है ज़ीरो। तो ये देखिए आपको कॉस थीटा की भी वैल्यूज़ मिल गई, साइन थीटा की भी आपको वैल्यूज़ मिल गई। अब रहती है टेन थीटा। टेन थीटा बहुत ही आसान है, आप इसको अगर आप इसको मतलब कि एक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा ज़ीरो। तो एक टू का टेबल वन दफ़ा, टू का टेबल वन दफ़ा, तो ऊपर से क्या बचा हमारा वन, तो वन लिखा, और नीचे से हमारा क्या बचा अंडर रूट थ्री, तो वन अपान अंडर रूट थ्री इज़ वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज़ एंगल ऑफ 30। अब हम आते हैं इसके तरफ, तो अंडर रूट टू, अंडर रूट टू में गया, तो बाकी बचा क्या ओनली वन अपान वन या ओनली वन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें वन टू का टेबल वन दफ़ा, टू का टेबल वन दफ़ा, तो क्या ऊपर से क्या बचा अंडर रूट, और अपन और अपन में क्या हमारा रिमेनिंग बचा वन। तो मैं इस पर वन नहीं लिखता क्योंकि हर अदद के अंदर हर नंबर के नीचे वन होता है। मैं वन अपान वन को वन भी लिख सकता हूँ खाली, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज़ीरो और वन, यहाँ पे अगर इसका जवाब आएगा इन्फिनिटी। तो उम्मीद है कि आपने इस ट्रिक को अप्लाई करके बहुत ही आसानी से इसकी टेबल आपने क्रिएट कर ली। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा, तो ये मैं इन अदर वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसकी वैल्यू इस हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुझे अगर रिस्पॉन्स मिला तो मैं एक और भी ट्रिक के हिसाब से अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। आपकी दुआ से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।